जैसे जैसे समय बदलता गया है, अपराध करने का तरीका भी बदल गया है। आज के जमाने में साइबर अपराध अपने चरम पर है। आपने एक फिल्म देखी होगी जामताड़ा, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड कहे या साइबर अपराध को किस तरीके से अंजाम दिया जाता है, इस बारे में दर्शाया गया है। देश भर में हर लाख, बता दें कि लाखों मामले साइबर अपराध के दर्ज किए जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस और मेटा यानी कि फेसबुक ने अब एक साथ हाथ मिलाया है। दिल्ली पुलिस और मेटा यानी कि फेसबुक अब साइबर अपराध को बढ़ाने के रोकेंगे, जिसके चलते आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दोनों संस्थाओं ने मिलकर बात कर युवाओं को सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के तरीके और अगर अपने साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके समय में हर युवा किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर साइबर अपराध और ठगी बढ़ती जा रही है और इसके युवा शिकार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। साइबर ठगी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है, तो वही दूसरी तरफ इसके किस तरह से अपना बचाव किया जाए ये भी बताया है। मेरे साथ इस वक्त स्पेशल शिल्पी संजय सिंह सामोज। सर, आपने मेटा के साथ कोलैबोरेशन किया है, क्या लगता है साइबर अवेयरनेस को लेकर कितनी बड़ी भागीदारी मिल सकती है? देखिए, आजकल के इस कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया में जितने लोगों को जोड़ा जाए, खासकर दिल्ली पुलिस अपने एक कोशिश ये है कि जैसे मेटा हुआ और भी बाकी हमारे जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज और मीडिया के साथी हैं, अवेयरनेस अपने यंगस्टर्स में और खासकर विमेन के अंदर, महिलाओं को एक तो लॉज के बारे में और उनके पास जो रिड्रेसल की जो एजेंसीज हैं, आपका 1930 नंबर हुआ, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ कैसे जुड़ना है, जो हमारी क्राइम के जो पोर्टल्स जो हैं उसके अंदर आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर की बात यह है अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं तो भी आप पोर्टल के ऊपर, और हम लोगों को भी एनोनिमस आपका नाम रखा जाएगा, एनोनिमिटी का ख्याल रखा जाएगा, यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट टू अस। सर, इनिशिएटिव्स कई सारे लिए गए साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर, लेकिन फर्स्ट स्टेप पर जब एक महिला या किसी भी पुरुष को ज़रूरत पड़ती है वो स्टेप में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको लाइक जैसे आप थाने में गए, आपको फर्स्ट स्टेप पर अगर एक अच्छी बेटर सर्विस मिलती है तो कहीं ना कहीं इसमें लोग और आगे आएंगे, क्योंकि देखा गया कि अमूमन कम लोग इस चीज़ की रिपोर्ट कर पाते हैं। हाँ, इसीलिए सेंसिटाइजेशन जरूरत ज़रूरी है। हम अपने पुलिस के जो पर्सनल हैं उनको भी सेंसिटाइज करते हैं। ये जो मुहिम जो है, जिसमें कि कॉलेज के छात्रों को जोड़ा गया, स्टूडेंट्स को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, उनमें अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, और ख़ासकर साइलेंस जो है, चुप रहना साइबर क्राइम के तल्लक बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए किसी के लिए। आप लोग अगर आगे आएंगे, डेफिनेटली पुलिस आपके साथ मिलके आज आप पाएंगे, हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इफ्सो के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में अब एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला गया है, जिससे कि बेटर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जो कि लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को लेकर एक कई बार इस तरीके के प्रोग्राम्स चले हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से मेटा इंडिया यानी फेसबुक के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ, क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स जो यूज़र्स हैं ऑनलाइन के या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वो फेसबुक पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए आज मेटा के साथ दिल्ली पुलिस ने कोलैबोरेशन किया है और एक नई शुरुआत ज़रूर की है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस के सार्थक कदम से कितना फ़ायदा आम जनता को, यह उन लोगों को फ़ायदा होता है जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स अमूमन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सबसे ज़्यादा शिकार भी साइबर क्राइम का अगर देखा जाए जो रिकॉर्ड है उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, महिलाएं होती हैं या यंग टीनेजर्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली पुलिस का ये इनिशिएटिव कि जिस तरीके से साइबर अवेयरनेस को लेकर खासकर यंगस्टर्स में कैसा लग रहा है। पहले तो सर ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा हमें हमारे अवेयरनेस को फैलाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इसके साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, और जब पता चलता है तो बहुत लेट हो चुका होता है और ना ही उन्हें पता होता है कि अगर हो भी गया उनके साथ ही क्राइम तो उन्हें करना क्या है। सर ये इनिशिएटिव से हमें कम से कम ये अवेयरनेस तो फैलेगी कि हमारे साथ ही हमारे अगल बगल में किसी के साथ कुछ हो गया तो हमें उनके लिए करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं ताकि हम इसको स्टॉप कर सकें और ये बाकी महिलाओं के साथ ना फैले। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि रिपोर्ट करने क्यों जाएं, कैसे जाएं, अगर पुलिस की तरफ से उसमें आपको और ज़्यादा सहूलियत मिलती है तो लगता है कि फ़ायदा होगा, लोग आगे आएंगे, आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे।
हाँ। आपको लगता है कोई ऐसा इंसिडेंट कोई आपके नोन में जान पहचान में हुआ हो कभी? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। अवेयरनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं? लोग बताते नहीं है, डरते हैं पुलिस के नाम से। अभी ऐसी इमेज है कि पुलिस से डरते हैं लोग, उनको ये नहीं पता कि पुलिस हेल्प करने के लिए है। तो अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग को पता चलेगा कि सहायता करने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर अवेयरनेस बढ़ती है तो हेल्प बहुत इजीली हो सकती है। अरे आप अपना नाम बताएं पहले। काम्या। काम्या, कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते होंगे आप लोग? सोशल मीडिया में मैक्सिमम जो कह सकते हैं कि टारगेट करने के लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ उस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए अगर इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, अगर जानकारी है तो फ़ायदा होगा। बिल्कुल, अवेयरनेस बढ़ेगी लड़कियों में और थोड़ा वो उनमें हिम्मत ज़्यादा आएगी, वो आगे आएंगी। अगर उन्हें कुछ होगा तो खुल के बता सकती हैं। कुछ लोगों को अपनी फैमिली का प्रेशर भी होता है कि वो क्या कहेंगे, लेकिन अगर पुलिस हेल्प करेगी तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा। रेज द वॉइस, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पहुँचेगी कैसे? राइट। आपका क्या नाम है? वंदना। कहाँ से हैं आप, कौन से कॉलेज? गार्गी कॉलेज। आप लोगों को लगता है कि इस तरीके के सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम हर कॉलेज में होने चाहिए? स्टूडेंट से ज्यादा डेली एक इंटरेक्शन पुलिस का होना चाहिए, सो दैट अवेयरनेस रहे, ऐसा है? हाँ बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम्स होती भी है तो ना हम फैमिली वालों को बता सकते हैं, और दूसरा ये कि हमें ये भी है कि एनोनिमस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, तो पुलिस हमारी हेल्प करेगी तो इससे बेटर फायदा ही होगा ना हम लोगों को। अच्छा, कॉलेजेस में आप लोगों के कॉलेजेस में हेल्प डेस्क वगैरह पुलिस की है? नहीं, वो तो अभी नहीं है। अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, एज अ फ्रेंड पुलिस आपके कैंपस में रहे तो फ़ायदा मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली में कहाँ जाना है, तो अगर इन फ्रंट कोई डेस्क होगा जो मतलब इफ़ यू व्हेनेवर यू नीड आप अप्रोच कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। कि वरना कभी कभार नंबर नहीं लगता, कभी कभार टाइम लग जाता है ईमेल का रिस्पॉन्स पाने में, तब तक बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है कि छोड़ दो, हो गया सो हो गया। लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर पुलिस भी आपके लिए बैठी है, आपके लिए ही काम कर रही है, अगर आप नहीं उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम लोग को शेयर करना चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत लोगों की अवेयरनेस होना चाहिए कि जाओ, क्योंकि वो लोग हेल्प के लिए बैठे हैं। बहुत लोग ऐसे ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो लोग मीडिया के सामने आ जाएंगे। अच्छा, कई लोगों ने बोला डर जाते, डर किस बात का? डर पुलिस से, मतलब किस चीज़ का डर, ये मुझे समझ नहीं आया, किस चीज़ का डर? नहीं, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि सब लोग सोच रहे थे बहुत लंबा प्रोसीजर चलेगा, फिर बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि ठीक है चुप हो जाओ। हाँ, जैसे जैसे वक्त बदलता गया अपराध करने के तरीके भी बदलते गए। पहले चोरियां हुआ करती थी, घरों में लूट हुआ करती थी, डाके पड़ा करते थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये सभी तरीके बदल गए हैं। अब ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल जमाना है, इसलिए साइबर फ्रॉड भी अब लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने और मेटा यानी फेसबुक ने हाथ मिलाया है और साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक नई पहल की गई है। इस पहल में साइबर क्राइम पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए उस पर चर्चा की गई, और वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधों में बढ़ रहे कमियां, जिस तरीके से कमियां लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है। वीडियो रियलिस्ट सरताज के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।